जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक और वैकेंसी निकल के आई हुई है जो कि भारतीय डाक विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि ये वैकेंसी इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन फार्म 2022 में ये वैकेंसी निकाली हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है। जो लोग 10वीं पास हैं यानी बढ़िया मार्क है, बढ़िया नंबर है, क्योंकि मेरिट बेस पे ये वैकेंसी होगी, यानी जिसका भी सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ऑल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जिनकी मेरिट अच्छी है वे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आल पे क्लिक करिए, ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। साथियों, ये वैकेंसी जो निकली हुई है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन फार्म 2022 यानी ऑनलाइन ये वैकेंसी निकली है, यानी ऑनलाइन इस फार्म को आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो रखा गया है 100 रुपया रखा गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया नहीं है। फीस पेमेंट में SC ST कैंडिडेट के लिए छूट है। पेमेंट मोड यानी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं पे द एग्जाम फॉर थ्रो ई चालान के या हेड ऑफिस के माध्यम से आप पेमेंट मोड कर सकते हैं। और साथियों, बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट डेट जो है ऑनलाइन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2 मई 2022 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है साथियों, लास्ट डेट फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है 5 जून 2022 है। और साथियों, फार्म ऑनलाइन करने का लास्ट डेट जो है 5 जून 2022 है। और साथियों, एज लिमिट की बात करें तो 05/6/2022 से, यानी 5 जून 2022 से मिनिमम एज 18 ईयर्स से मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक कैंडिडेट का होना चाहिए। और साथियों, एज रिलेशन में भी छूट दिया गया है। जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का छूट दिया गया है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का छूट दिया गया है, PWD के लिए 10 ईयर्स का छूट दिया गया है। और साथियों, क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता तो कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए। हाई स्कूल में यानी 10वीं में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश यानी मैथ और अंग्रेजी विषय होना चाहिए। वो कैंडिडेट जो जिनका मैथ और अंग्रेजी रहेगा वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10वीं में होना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। और साथियों, नॉलेज की बात करें, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज यानी आप जहाँ बेबी सेलेक्ट होंगे या जहाँ पर ही आवेदन करेंगे वहाँ का भाषा जानना चाहिए आप लोग को, बहुत ही ज़रूरी है साथियों। इसके बाद साथियों, आप चाहे तो रीड द नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल, चाहे तो नोटिफिकेशन भी उस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। और साथियों, बताना चाहता हूँ वैकेंसी बहुत ही अच्छी निकली हुई है। साथियों, वैकेंसी जो डिटेल है, टोटल वैकेंसी 38,926 पोस्ट निकला हुआ है। साथियों, ध्यान दो, वैकेंसी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, 38,926 पोस्ट निकला हुआ है, जो कि पोस्ट नेम है साथियों ग्रामीण डाक सेवक GDS, टोटल पोस्ट निकाला हुआ है 38,926। और साथियों, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये भी बता दें। और साथियों, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक GDS रिक्रूटमेंट 2022 में ये वैकेंसी निकाली हुई है। और साथियों, ऑल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कैन अप्लाई ऑनलाइन। और साथियों, 2/5/2022
5/2/2022 से 5/6/2022 तक आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, काइंडली फिल योर बेसिक डिटेल एंड अपलोड, यानी आप लोग का जो बेसिक डिटेल मांगा गया है वो बताने जा रहे हैं। योर फ़ोटो, आप लोग को साथ में फ़ोटो भी लेके जाना है, अपना सिग्नेचर करना है, आईडी प्रूफ कोई भी हो, आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड हो गया और अदर डॉक्यूमेंट, और भी अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा, 10वीं जो भी होगा वो ऑनलाइन कराते समय लेकर जाना है। और साथियों, जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देना चाहता हूँ। जॉब प्रोफाइल क्या क्या, कौन कौन पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, ये भी बता देता हूँ। साथियों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो, तभी समझ आएगा। और साथियों, पोस्ट का नाम बता देते हैं, जैसे ब्रांच मास्टर, ब्रांच मास्टर बीपीएम में एक पोस्ट निकला हुआ है। और साथियों, दूसरा पोस्ट जो निकला हुआ है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम में निकला हुआ है। और साथियों, तीसरा जो पोस्ट निकला हुआ है, डाक सेवक का निकला हुआ है। और साथियों, आप लोग को बता देना चाहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस यानी भर्ती प्रक्रिया क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही ज़रूरी है। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेट मेरिट लिस्ट बेस ऑन द मेरिट रूल, यानी आप लोग का ये भर्ती प्रक्रिया जो है मेरिट बेस पर होगा। 10वीं में जितना भी बढ़िया नंबर रहेगा उस बेस पे, मेरिट बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। और साथियों, कंपल्सरी नॉलेज यानी नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। लोकल लैंग्वेज यानी आप जहाँ के भी लिए पोस्ट अप्लाई करेंगे वहाँ का भाषा जानना बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, और बताना चाहता हूँ, और आप लोग को नॉलेज में क्या 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 रहना चाहिए, साइकिल यानी साइकिल चलाने का भी ढंग रहना चाहिए, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल ये दोनों चलाने का ढंग रहना चाहिए। और साथियों, सैलरी पैकेज की बात करें, आप लोग को सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी बीपीएम के लिए 12,000 सैलरी मिलेगा, एबीपीएम के लिए यानी डाक सेवक के लिए 10,000 सैलरी मिलेगा। धन्यवाद साथियों, वंशिका ऑल जॉब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे क्लिक करिए, ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिले।